सो प्रोग्रामिंग फॉर लिंग्विस्टिक्स का तीसरा सेशन। लास्ट टाइम हमने लिस्ट देखी थी और कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर और इफ देख चुके थे, और वो देखकर फिर हमने कहा था कि तीन एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। आज हम उसका सलूशन डिस्कस करेंगे। तो ये वो तीन एक्सरसाइजेस हैं और उनका सलूशन आपके सामने आ रहा है। तो एक्सरसाइज नंबर वन ये कहती थी कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउंस इन द इनपुट टेक्स्ट। थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि पहले क्या हो रहा था। पहले ये हो रहा था कि हमने एक इनपुट टेक्स्ट लिया था, वी आर लर्निंग पाइथन एंड दे ऑलरेडी नो प्रोग्राम गुड प्रोग्रामिंग। ये इनपुट टेक्स्ट है। एनएलटीके लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की थी और उस एनएलटीके लाइब्रेरी के वर्ड टोकनाइज फंक्शन को यूज करते हुए इसको टोकनाइज कर दिया था। टोकनाइज करने का क्या मकसद है? टोकनाइज करने में आपको ये नजर आ जाएगा कि आप इन पी टेक्स्ट में वर्ड्स अलग अलग हो गए। अगर आप दूसरी वाली लाइन देखें, प्रिंट पी टेक्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है, वी एक अलहदा वर्ड है, आर अलहदा वर्ड है, लर्निंग पाइथन फुल स्टॉप। तो पहला स्टेप एनएलटीके से प्रोसेसिंग में हमने ये किया कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग आया था उसे हमने टोकनाइज कर दिया वर्ड्स में। सेकेंड स्टेप में हमने किया था कि इन वर्ड्स को, जो हमारे पास वर्ड्स आ गए हैं, इन्हें कन्वर्ट कर देंगे टैग्स में। तो इन्हें हमने आराम आराम से टैग्स टैग्स में कन्वर्ट कर दिया। एनएलटीके डॉट पी ओ एस टैग फंक्शन है जिससे हमने प्रोसेस टैग टेक्स्ट पास किया। यानी एक ऐसा ऐसी लिस्ट पास की जिसमें बहुत सारे वर्ड्स थे, तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स पास की और उसने हर वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पार्ट ऑफ स्पीच टैग बता दिया। वी के कॉरस्पॉन्डिंग पी आर पी है पर्सनल प्रोनाउन, आर के कॉरस्पॉन्डिंग वी वी पी है वर्ब वर्ब, और ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। लर्निंग के कॉरस्पॉन्डिंग वी वी जी है वर्ब, जो कि वो फॉर्म जिसके आखिर में आई एन जी आ रहा होता है, यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म एंड सो ऑन। ये जो टेक्स्ट सेट यूज कर रहा है इसे पेन ट्री बैंक का टेक्स्ट सेट कहते हैं। लास्ट टाइम कल जो हमने देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर पार्ट ऑफ स्पीच टेक्स्ट सेट देखे थे, तो उसमें पेन ट्री बैंक का भी इंट्रोडक्शन था, यूनिवर्सल का भी था। आजकल के दौर में यूनिवर्सल टेक्स्ट सेट ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि हमने तय किया था कि एनएलटीके की लाइब्रेरी यूज करेंगे, क्योंकि उसकी जो साथ में ऑनलाइन बुक मौजूद है वो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए हमने ये वाला टेक्स्ट सेट इस्तेमाल कर लिया। चाहे तो दो और हम देख चुके हैं, स्टैनफर्ड वाला भी देख चुके हैं कल, और स्पेसी भी देख चुके हैं, उनका टैग पार्ट ऑफ स्पीच टैगर इस्तेमाल कर लें। तो ये जस्ट मुख्तलिफ लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच टैगर बनाए हुए, ये हमारे पास आ गया। और इसमें पहले इंडेक्स नंबर 0 पे वर्ड होता है और इंडेक्स नंबर 1 पर पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अब आगे चलें। जहां तक कहानी तो हो गई थी और फिर आप लोगों ने कुछ काम कर भी लिया था, फॉर एग्जाम्पल काउंट करके देख लिया था कि कितने प्रोनाउन है, कितने प्रॉपर नाउन है, ये चीजें काउंट वगैरह करके भी देख ली थी आपने। अब हमारा टारगेट ये है कि पी आर पी जो पर्सनल प्रोनाउन है वो आपको काउंट करके बताने हैं कि कितने हैं। पर्सनल प्रोनाउन को काउंट करना है तो पहला काम क्या होगा, और थोड़ी सी आपको हिंट भी दे दी थी, पहला काम तो ये होगा कि आपको एक मिनट लिस्ट बनानी है, बल्कि काउंट नहीं करना, मेक अ लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट के लिए जो भी वेरिएबल नेम रखना चाहें, लिस्ट प्रोनाउन हमने ये वेरिएबल नेम रख दिया। और स्टार्ट में लिस्ट खाली है, लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने बता दिया कि ये चीज लिस्ट होगी और इसमें बाद में हम इसे लिस्ट की तरह प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड मौजूद है, वर्ड्स मौजूद हैं, वो किस चीज में मौजूद थे? वो मौजूद थे फॉर वर्ड, पर हमने देखा था वो टैग टेक्स्ट में मौजूद थे, टैग अंडरस्कोर टेक्स्ट। अभी आप स्क्रॉल करके ऊपर देखें तो ये टैग अंडरस्कोर टेक्स्ट में वर्ड्स और उनके पार्ट ऑफ स्पीच वाले टपल्स की ये लिस्ट है। तो हम इस लिस्ट को वन बाय वन आइट्रेट कर रहे हैं
हर दफा में एक वर्ड और उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड टैग के अंदर आ जाएगा। तो अगर वैसे हम प्रिंट करवाना चाहें तो ये कर चुके हैं, जस्ट एक क्विक रिवीजन, वर्ड टैग जीरो और वर्ड टैग वन। अगर मैं सिर्फ ये प्रिंट करवाना चाहूं तो क्या होगा, वो वन बाय वन मुझे चीजें प्रिंट करके दे रहा है कि वी के कॉरस्पॉन्डिंग वी आ गया, फिर आर के कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड फ्रेज एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आ गई। तो आपको ये दोनों चीजें प्रिंट होके मिल गई। अच्छा, ये वर्ड टैग वन, तो पहले वर्ड टैग जीरो में वर्ड होगा और वर्ड टैग वन में उसकी पार्ट ऑफ स्पीच होगी। लेकिन ये तो जस्ट हमने ऐसे ही प्रिंट करवाया था याद करने के लिए, वार्म अप के लिए। हमें चेक ये करना है कि अगर कोई चीज प्रोनाउन है तो उसे लिस्ट में ऐड करना है। तो लिस्ट में ऐड करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि वो चीज प्रोनाउन है या नहीं है। वर्ड टैग अगर वर्ड टैग में पर्सनल प्रोनाउन, पीआरपी का मतलब प्रोनाउन पर्सनल है, तो हम सिर्फ उन को अपने पास ऐड करेंगे। तो लिस्ट अंडरस्कोर प्रोनाउन में क्या चीज ऐड कर देंगे, वर्ड टैग उन जीरो। ये गलती हो गई, हमने कहा था कि जीरो इंडेक्स पर वर्ड है और वन इंडेक्स पर उसका पास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच टेस्ट किया कि वो पीआरपी है, अगर है तो हमने वर्ड ऐड कर दिया। जीरो वन याद रखना मुश्किल होता है, इसीलिए एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे डिक्शनरी कहते हैं। तो डिक्शनरी भी यूज की जा सकती है, हमने क्योंकि कम डेटा स्ट्रक्चर देखे हैं तो इसे इसीलिए रहने दिया। उसमें डिक्शनरी बनती तो हम उसमें नाम रख सकते थे कि पहले जीरो एक है इसमें वर्ड और एक है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच, तो फिर हम लिखते वर्ड टैग और अंडरकोट वर्ड और वर्ड टैग अंडरकोट पीओएस, तो वो उसे समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन अभी सिर्फ दो चीजें थी तो इसलिए इसी तरह से करके चल पड़े हम। ये बात हो गई, और आखिर में जब ये सब कुछ हो जाए तो हम लिस्ट प्रोनाउन को प्रिंट कर देंगे। इसको हम प्रिंट कर देंगे कि कौन कौन से प्रोनाउन हमारे पास मौजूद है। तो हो सकता है गलती, छोटी मोटी गलती आपसे भी हो जाए। लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ओ क्या गलती हुई है, किसी को पता है? लिस्ट ऑब्जेक्ट में आपको अपेंड का फंक्शन यूज करना था, यानी लिस्ट में आपने अपेंड कर दिया। तो मैंने डायरेक्टली लिस्ट में वो पास कर दिया, अपेंड करना भूल गया। तो आपके पास दो चीजें आ गई जिनमें ये ट्रू हो रहा था, वी का पार्ट ऑफ स्पीच पीआरपी था और दे का पार्ट ऑफ स्पीच पीआरपी था, तो ये दोनों इसमें ऐड हो गए। अच्छा, अगर आपको मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन इन द इनपुट टेक्स्ट, पीओएस टैग ऑफ प्रॉपर नाउन इज एनएनपी, तो यही काम करना है। जस्ट एक माइनर सी चेंज होगी, मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। लिस्ट ऑफ प्रोनाउन की जगह आप इसे कह दें लिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। और जो मैच आप कर रहे हैं पीआरपी की जगह प्रॉपर नाउन का जो पार्ट ऑफ स्पीच है एनएनपी, वो मैच कर दें। और आखिर में लिस्ट में अपेंड भी जब करेंगे तो आप प्रॉपर नाउन वाले में इसका कोई प्रॉपर लिस्ट प्रॉपर और लिस्ट
एक ही काम किया, यहाँ पे एक और नाम की लिस्ट बनाई और इसको रन कर दिया, तो वही लॉजिक है, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच हमने चेंज की और अब हमारे पास इसमें एक ही प्रॉपर नाउन था पाइथन, बाकी सारे जो प्रोग्रामर था या कुछ और थे लैंग्वेज था वो कॉमन नाउन है, पाइथन इसमें प्रॉपर नाउन, तो हमारे पास पाइथन आ गया। अच्छा, हमने एक ही चीज को दो बार कॉपी पेस्ट किया है, ये अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं होती, सिर्फ समझाने के लिए और प्रैक्टिस करवाने के लिए कर दिया है। नेक्स्ट वाला अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें भी हम पहले एक ही काम को रिपीट करके कहेंगे और आखिरी जो टॉपिक होगा उसमें फंक्शन हम बनाएंगे और फंक्शन बनाकर फिर ये होगा कि एक फंक्शन बनेगा जिसमें से हम चीजें पास करेंगे, आर्गुमेंट्स पास करेंगे और उन आर्गुमेंट के बेस पे काम हो रहा होगा। तो हमें कोई कोड 10 बार 20 बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार लिखकर उसे 10 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट तो हो गया था। अच्छा, अब जो तीसरी चीज है मेक अ लिस्ट, अब आपको दो लिस्टें बनानी है, एक लिस्ट में प्रोनाउंस हो और दूसरी लिस्ट में प्रॉपर नाउंस हो। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं, आपके पास लिस्ट प्रोनाउन मौजूद है तो एक लिस्ट प्रॉपर नाउन की भी बना ले, लिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर वर्ड टैग पीआरपी है तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि लिस्ट ऑफ प्रोनाउन में आपने वो वर्ड ऐड कर दिया, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए हमने कहा था else if होता है। अगर वर्ड टैग जो है वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो फिर हम एक और कंडीशन चेक करेंगे कि क्या वर्ड टैग ऐसा तो नहीं है कि वर्ड टैग नंबर वन नाउन हो प्रॉपर एनएनपी हो। अगर ऐसा केस है जो दूसरे वाले में अभी हमने ऊपर लिखा था तो हम इस वर्ड को ऐड कर देंगे लिस्ट ऑफ प्रॉपर में अपेंड कर देंगे वर्ड टैग जीरो। अच्छा, फिर वही रिपीट कर रहा हूं कि वर्ड टैग जीरो में वर्ड है और वर्ड टैग वन में उसका पार्ट ऑफ स्पीच है, और तो इतना से हमने चेंज किया और उसके बाद प्रिंट जो था वो दोनों लिस्ट में प्रिंट करवा दी। तो पहली लिस्ट तो प्रिंट हो ही नहीं थी, लिस्ट प्रॉपर नाउन वाली लिस्ट भी प्रिंट करवा दी, तो वन बाय वन हमने दोनों लिस्ट में प्रिंट करवा दी। वी दे और देन पाइथन, तो जस्ट हमने दोनों को मिक्स एक साथ मर्ज किया, तो मर्ज करने में आपने PRP के साथ NNP भी लगा दिया। तो ये इसका सलूशन था। अब आज आ जाते हैं हम नए वाले पे। मैंने ये आपसे ये फाइल शेयर कर दी है। आज हम दो तीन काम कर रहे हैं, एक काम तो ये कर रहे हैं कि हम फाइल से रीड करेंगे। अच्छा, फाइल लेकिन फिर कहाँ होगी? सवाल ये है कि आपका प्रोग्राम तो गूगल क्लाउड पे चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, इंटरनेट पे मौजूद है, इंटरनेट पे जो गूगल का क्लाउड है आपका प्रोग्राम उस पर चल रहा है। ये नोटबुक इस वक्त मेरे कंप्यूटर पर लैपटॉप पे नहीं है बल्कि इंटरनेट पर मौजूद है और ये इंटरनेट पे चल रही है, तो मैं इसे इंटरनेट से अपने कंप्यूटर की फाइल किस तरह से एक्सेस करूँ, ये एक्सेस करना इतना आसान नहीं है। तो उसके मुकाबले में इससे बेहतर यह है कि मैं अपनी फाइल्स भी इंटरनेट पर रख दूँ। तो गूगल ड्राइव पे जाके drive.google.com पे गया, और अगर आप लोग इसे यूज़ नहीं कर रहे तो आपको 15 GB की एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है जिसमें आप अपनी फाइलें बैकअप कर सकते हैं और जो चीज़ रखना चाहें वो बैकअप के तौर पे रख सकते हैं, या इसी पे गूगल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास मौजूद होती हैं, तो गूगल डॉक, गूगल शीट्स, स्लाइड, पावर पॉइंट जैसी फंक्शन है, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन बना के ऑनलाइन ही सेव कर सकते हैं। इसमें एक फोल्डर बना हुआ है खजीना जिसपे ये लेक्चर जा रहे हैं, उस लेक्चर के अंदर एक सब फोल्डर है डेटा जिसके अंदर मैंने दो फाइलें रखी हुई है, तो माई ड्राइव के अंदर खजीना, खजीना के अंदर डेटा, और डेटा जो है वो के अंदर दो टेक्स्ट फाइल है, न्यूज और स्टोरी। एक न्यूज रखी है आज के अखबार से ही उठाकर, और एक स्टोरी रखी है जो क्लेवर फॉक्स है।
आइडिया ये था कि हम एक स्टोरी को और एक न्यूज को मैच करेंगे, और जॉनरा एनालिसिस में तो बहुत ज्यादा आगे तक की चीजें होती हैं, उसका एक बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि आप क्या पार्ट ऑफ स्पीच देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो किस जॉनरा से ताल्लुक रखता है आर्टिकल, या हमारे पास जो टेक्स्ट है वो किस जॉनरा से ताल्लुक रखता है। तो एक न्यूज और एक स्टोरी यहाँ पे रख दी, आप यहाँ पे दूसरी चीजें भी रख के यूज कर सकते हैं। तो आपको गूगल ड्राइव पे जाकर आप कोई भी फोल्डर बनाए और उस फोल्डर में अपनी फाइल्स रख दें जिसको एनालाइज करना चाहते हैं। तो ये फाइल्स आपके पास आ गई। नाउ तो ये इंटरनेट से आप कोई चीज कॉपी पेस्ट ही कर सकते थे, इन फाइल में कोई खास बात नहीं है। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि गूगल ड्राइव को रीड किस तरह से करेंगे। तो फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट ड्राइव, तो गूगल ड्राइव को मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ और माउंट कर रहा हूँ। ड्राइव का ये एड्रेस होता है, माउंट करने का मकसद कि अब मैं इस ड्राइव को अपने गूगल कोलैब के प्रोग्राम में यूज करूँगा। इस पर क्लिक किया, वो जाके पूछेगा यार नीचे, ये देख वो पूछ रहा है इस यूआरएल पे जाए। पहले वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा कि आपकी वाकई में आप इस ड्राइव के ओनर हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट को आप यूज करना चाहते हैं। तो मैं ये अपना जीमेल अकाउंट यूज कर रहा हूँ। आपसे पूछ रहा है कि ये आप करेंगे तो प्रोग्राम आपकी ड्राइव पे लिख सकता है, उसमें से कोई फाइल डिलीट कर सकता है, कोई फाइल क्रिएट कर सकता है। तो किसी थर्ड पार्टी का प्रोग्राम चलाने से पहले सोच लें कि आपकी गूगल ड्राइव पे आपने बैकअप रखा हुआ है, वो उसको डिलीट भी कर सकता है। तो ऐसी चीज ना को इजाज़त ना दें गूगल ड्राइव यूज़ करने की जो आपकी जासूसी कर सके या डिस्ट्रक्शन कर सके। ये तो सिंपल प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ रीड कर रहे हैं और वहीं पर राइट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, फिर अलाउ अलाउ कर दिया हमने। एक इसने आपको टेक्स्ट दिया, ये पासवर्ड की तरह का कोड दिया है, और इसे कॉपी किया, कॉपी करके वापस यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कोड यहाँ एंटर कर दिया। अब ये गूगल ड्राइव हमारे एक्सेस में हो जाएगी, प्रोग्राम इसे आराम से एक्सेस कर सकेगा। उसने माउंट कर दिया। माउंट करने के बाद फिर हमने लिस्ट एलएस, जिन लोगों ने यूनिक्स पर, लिनक्स पर या मैक पे काम किया हुआ है, तो वो जिस तरह से डॉस प्रॉम्प्ट पे, अगर आप विंडोज के प्रॉम्प्ट पर जाएं और कभी DIR लिखें तो डायरेक्टरी आ जाती है कि इस फोल्डर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह से लिनक्स और इस जैसी एनवायरनमेंट में उसके लिए एलएस लिखना पड़ता है। तो हमने एक्सक्लेमेशन साइन लिखा है। एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब हम कुछ सिस्टम कमांड रन करना चाहते हैं, और फिर इस डायरेक्टरी में कंटेंट ड्राइव तो हमने लोड की थी। उसके बाद ये जो मैंने आपको अभी अपना बताया है कि माई ड्राइव, खजीना, डाटा, इसके अंदर मेरी फाइल्स मौजूद है, तो इसकी लिस्ट देख ली, इस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई है, तो ये देख ली, आपको ये नजर आ गई। तो जस्ट इससे पता चल रहा है कि आपको डायरेक्टरीज नजर आ रही है। अगर मैं वैसे इसकी रूट डायरेक्टरी देखूं तो जो वीडियो फाइल्स हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो जस्ट या तो हम एक्सेस करके देख रहे हैं कि क्या गूगल ड्राइव एक्सेस हो गई या नहीं। अब हमें फाइल रीड करनी है, तो यहाँ से फाइल रीड करना शुरू हो रहा है। यहाँ से फाइल रीड करने का कोड शुरू हो रहा है। फाइल रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन है ओपन। ओपन के दो आर्गुमेंट होते हैं, एक आर्गुमेंट में फाइल और उसका पाथ, फाइल कहाँ पड़ी हुई है, कंटेंट ड्राइव, माई ड्राइव, खजीना एंड सो ऑन। अगर ये आपकी नॉर्मल विंडोज की हार्ड डिस्क में पड़ी हुई हो तो आपको उसे माउंट नहीं करना पड़ेगा, आप वैसे C:\ माई फोल्डर /story.txt लिखा हुआ है, आपने वहां से राइट कर दी।
तो फाइल विथ इट्स पाथ नेम, ये आपको देना पड़ेगा आर्गुमेंट। और दूसरा ये कि फाइल पे आप क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं, रीड तो वो सिर्फ रीड करेगा, राइट का मतलब है वो उस पर राइट करेगा, और ए फॉर अपेंड, अपेंड का मतलब ये है कि पहले उस फाइल में राइट हो चुका है वो उसमें फिर मजीद कुछ राइट कर देगा, उसके आखिर में चीज़ें अपेंड कर देगा। खाली राइट लिखते हैं तो उस फाइल के पुराना सारा डाटा वो इरेज कर देता है और नई फाइल में राइट करना शुरू करता है, एक खाली फाइल में राइट करना शुरू होता है, रीड राइट। अच्छा, पाइथन की एक और अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें आपको अगर चाहिए कि पाइथन को फाइल किस तरह से डील करते हैं, तो जस्ट आप गूगल पे जाएं और लिखें पाइथन फाइल ओपन फॉर रीड, फाइल रीड। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ये है लेकिन पाइथन में बहुत ज़्यादा है और आपको कई रेफरेंसेस मिल जाएंगे। मैंने आपको वैसे भी रेफरेंसेस दिए हुए हैं और यहाँ से रेफरेंसेस देख कर आपको कोर सिंटेक्स समझ में आ सकता है। तो आइडिया होना चाहिए पूरा पाइथन के सारे सिंटेक्स, बहुत मुश्किल से लोगों को याद होता है। तो अगर आपके पास आइडिया है कि फाइल ओपन करनी हो, सिंटेक्स नहीं पता, तो आप सर्च कर सकते हैं उसे। फिर वो है कि जो सिंटेक्स बार बार यूज़ होता है वो खुद ब खुद याद हो जाता है। तो हमने एक फाइल ओपन की जिसका पाथ और डायरेक्ट नाम ये था और उसे रीड मोड में ओपन की क्योंकि हम रीड करना चाहते हैं सब। और उस फाइल ओपन फाइल का नाम हमने एफ स्टोरी रखा, यानी एक वेरिएबल बन गया एफ स्टोरी जिसके अंदर एक ओपन फाइल मौजूद है। अब एफ स्टोरी डॉट रीड किया तो उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट था वो रीड हो गया और एक वेरिएबल स्टोरी टेक्स्ट में स्टोर कर दिया। और फिर हमने ये देख लिया प्रिंट स्टोरी टेक्स्ट क्या है, ये द क्लेवर फॉक्स वंस देयर लिव्ड अ क्लेवर फॉक्स इन अ फॉरेस्ट, और ये सारी एक स्टोरी लिखी हुई है। इसके लिए आप बहुत बड़ी फाइल भी इसमें रीड कर सकते हैं, कोई नॉवेल हो, कोई बहुत बड़ी बुक हो, अगर आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में मौजूद है तो आप उसे रीड कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से हमने दूसरी फाइल न्यूज़ वाली थी उसी तरीके से रीड की कि उसका पाथ ओपन किया, उसका पाथ दिया, रीड मोड में ओपन किया। चेंज क्या हुआ है, इस वेरिएबल का नाम, फाइल वेरिएबल का नाम हमने एफ न्यूज़ रख दिया, एफ न्यूज़ को रीड किया तो हमारे पास न्यूज़ का टेक्स्ट आ गया, न्यूज़ टेक्स्ट न्यूज़ अंडरस्कोर टेक्स्ट वेरिएबल में चला गया और आप देख सकते हैं कि ये इस वेरिएबल में ये वैल्यू मौजूद है, तो वुमेन डॉक्टर अमंग फाइव मेडिकल। तो ये आज की न्यूज़ है। तो हमारे पास अब दो टेक्स्ट आ गए, पहले हम टेक्स्ट हार्ड कोड कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने छोटा सा टेक्स्ट हार्ड कोड किया था उसको प्रोसेस कर रहे थे, अब हमें फाइल से रीड करना आ गया। तो अब हमारे पास जितना भी कॉर्पस मौजूद हो हम उसे प्रोसेस कर सकते, बाकी ये वो चीज़ वही है जो लास्ट टाइम था, NLT के नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट लाइब्रेरी है, उसके हमने दो पैकेज डाउनलोड किए। क्या चीज़ डाउनलोड की, पंक्ट जो आपको सेपरेटर बताता है कि फुल स्टॉप पे वर्ड ख़त्म हो जाता है और कॉमा पे वर्ड ख़त्म हो जाता है, इसी तरह से टैगर जो है एवरेज परसेप्टॉन टैगर, ये पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कर देता है। तो ये दो आपने टोकनाइजर जो वर्ड स्ट्रिंग को टोकन्स में कन्वर्ट कर दे वर्ड्स में और सेंटेंसेस में, उसके लिए पंक्ट आपने डाउनलोड किया और टैगिंग के लिए आपने या एवरेस्ट परसेप्ट्रॉन टैगर डाउनलोड किया। अब उसके बाद ये भी जो लास्ट टाइम हुआ था उसी तरह से NLT के वर्ड टोकनाइज किया, स्टोरी टेक्स्ट ये टोकनाइज हो गए। एक काम, अगर हम इसे इंटरेक्टिवली चल रहे हैं तो हमें ये डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद हमने टोकनाइज किया स्टोरी टेक्स्ट को और वो उस एक वेरिएबल स्टोरी अंडरस्कोर पी टेक्स्ट में चला गया। इसी तरह से हमने, ये गलती हो गई इसके बावजूद ये कैसे चल रहा था, अच्छा, और उसके बाद हमने इस पर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग भी की, जो हमने पी टेक्स्ट बनाया था उसकी पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग की, तो हमारे पास एक नया वेरिएबल आ गया स्टोरी टैग टेक्स्ट, जो एक लिस्ट थी उस लिस्ट में ये आ गया। अच्छा, अब हम ये दोनों लिस्टें पूरी पूरी भी प्रिंट कर सकते थे लेकिन बहुत ज़्यादा जगह होती, तो क्योंकि ये लिस्ट है तो हमने ये कह दिया कि 0 से लेकर 10th तक वाले जो वर्ड्स हैं, सब शुरू के 10 वर्ड्स वो डील कर लें। नेम स्टोरी टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, स्टोरी टेक्स्ट के ऊपर डिफाइन किया तो है,
अच्छा किस वजह से ये नहीं चला? क्योंकि मैंने इसको यहाँ रन नहीं किया था, वो पुराने आउटपुट रखे हुए थे उस पर आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये मैंने इसे रन किया है और इसके बाद फिर इसको भी रन किया है। पहले मैंने ये इस सेल को रन नहीं किया था, पिछली दफा जब मैंने रन किया था उसका ही आउटपुट रखा हुआ है, तो इसीलिए उस वो वेरिएबल स्टोरी टेक्स्ट हमारे पास नहीं था। अब स्टोरी टेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास आ गया है, तो अब आप इसे रन कर सकते हैं। तो उसने पहले 10 वर्ड्स द क्लेवर फॉक्स वंस देयर, और उसकी पार्ट ऑफ स्पीच, द की पार्ट ऑफ स्पीच डिटरमाइनर है, क्लेवर की नाउन फ्रेज है, नाउन नाउन प्रॉपर है, फॉक्स की नाउन प्रॉपर है। ये उसने गलती की है, गलती ये की है कि क्योंकि जो चीज कैपिटल है उसने उसे प्रॉपर नाउन कर दिया जो नहीं करना चाहिए। तो पार्ट ऑफ स्पीच टैगर अक्सर बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं। इसी तरीके से स्टोरी वाला जो था, स्टोरी हो गई, न्यूज, न्यूज टेक्स्ट को हमने डील किया, न्यूज टेक्स्ट को भी टोकनाइज किया, टोकन्स बन गए, और फिर उसका पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स निकाले, तो पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच टैग के टपल्स हमारे पास आ गए। और इसके हमने 0 से लेके 15 तक, यानी पहले 15 वर्ड्स प्रिंट करवाए जगह बचाने के लिए। सर अगर मैं खाली न्यूज पी टैग्स लिखता तो ये पूरा पूरी लिस्ट आ जाती, जिसमें जितने भी इसमें वर्ड्स हैं इस न्यूज में, सारे के सारे टोकनाइज मौजूद होते और सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच टैग के मौजूद होते। लेकिन वो फिर हमारी जगह स्क्रीन पे जगह बहुत ले लेता, तो इसलिए मैंने कहा जस्ट चेक करने के लिए शुरू के 15 वर्ड्स आप प्रिंट करवा लें। और प्रिंट का मतलब सिर्फ यह है कि हमें पता चल जाए हो क्या रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये प्रिंट नहीं करना होता, ये तो सिर्फ हमें अपने समझने के लिए कि हो क्या रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ तक बन गया। अब हमारे पास टास्क आ जाता है। हमने ये तो लास्ट टाइम ही वाली चीजें एक तरह से रिपीट हो रही थी। अब जो हमारे पास नया टास्क आ जाता है वो ये आ जाता है कि हमें पर्सन वाइज लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस बनानी है। पर्सन वाइज लिस्ट ऑफ प्रोनाउन, यानी हम करने क्या जा रहे हैं कि हमारे दो टेक्स्ट टेक्स्ट हैं, हम दोनों टेक्स्ट में ये देखेंगे कि उन टेक्स्ट में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के कितने प्रोनाउंस यूज हुए हैं और थर्ड पर्सन के कितने यूज हुए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर हमने एक कैटेगरी बना दी है, और थर्ड को मिलाकर थर्ड अकेला दूसरी कैटेगरी हो गई है। अच्छा, प्रोनाउन जो हैं वो एक से ज्यादा तरीके के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और एक पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों चीजें लिख रहे हैं, आई यू वी माई नॉमिनेटिव फॉर्म में प्रोनाउन, योर आवर और माई ये पजेसिव फॉर्म में है प्रोनाउन, मी और अस जो है वो अक्यूजेटिव फॉर्म में है प्रोनाउन। तो सारे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन की लिस्ट हमने यहाँ रख दी, कोई मिस नहीं हुआ। थर्ड पर्सन में हमने ही शी दे इट मैंने जानबूझ के छोड़ा है, ये नॉमिनेटिव वाले, हिज हर देयर पजेसिव, हिम हर और देम, वैसे हर 2 दफा आ गया, 2 दफा लिखने की जरूरत नहीं थी हर को, एक दफा काफी है। हिम हर और देम जो है वो मौजूद है। तो हमारे पास 2 लिस्ट बन गई, P12 में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और P3 में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब हमें काउंट करना है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग। काउंटिंग क्या है कि हमें काउंट करना है P1 प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन स्टोरी में कितनी दफा आए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन स्टोरी में कितनी दफा आए हैं, और इसे हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेल में काउंट करेंगे कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन न्यूज में कितनी दफा आए हैं, और थर्ड और ये दूसरा थर्ड पर्सन प्रोनाउन न्यूज में कितनी दफा आया है। लॉजिक तकरीबन वैसे ही है, कुछ चीजें आप शायद नहीं सीखें। टैग टेक्स्ट अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले जो हमने कोड लिखा था ये उसी तरह का कोड है, इसीलिए मैंने वार्म अप के लिए आपको दिया था कि हम टैग टेक्स्ट होता था और उसको हम आइट्रेट कर रहे होते थे 1 बाय 1, और चीजें जो है ना, ये वेरिएबल का नाम आपका जो दिल चाहे रखें, हम वर्ड टैग रख दें, खाली वर्ड डब्ल्यू रख दें, एक्स वाई जेड कुछ भी रख दें, इसका नाम ये है, इसको हमने पीछे टैग टेक्स्ट कहा था। और उसके बाद अगर इंडेक्स नंबर 1 पे पर्सनल प्रोनाउन था तो हम अपनी लिस्ट में अपेंड कर देते थे, और अगर एल्स इफ वो प्रॉपर नाउन था तो हम कुछ और कर देते। यहाँ आके हमने क्या किया, वही
स्टोरी टैग टेक्स्ट को आइट्रेट किया और वेरिएबल w में रख दिया। चेक हमने किया कि वो पर्सनल प्रोनाउन हो और लॉजिकल और, या वो अगर पी आर पी डॉलर का मतलब पजेसिव प्रोनाउन, अगर वो पजेसिव प्रोनाउन है या पर्सनल प्रोनाउन है तो फिर हम आगे जाएंगे। आगे जाके हम क्या देखेंगे, आगे जाके हम ये देखेंगे कि अगर वो वर्ड वर्ड जीरो P12 में है, क्योंकि प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, हमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एक साथ रखने और थर्ड पर्सन अलग अलग रखना है, इसीलिए हमने दो अलग अलग लिस्टें बना दी थी। तो अगर वो P12 लिस्ट में है तो हम क्या करेंगे, P12 वाला काउंट P12 स्टोरी में 1 ऐड कर देंगे, उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर वो P3 में है तो काउंट P3 स्टोरी को में 1 ऐड कर देंगे, वो एक ऐड हो जाएगा। तो जस्ट हमने, अगर वो फर्स्ट पर्सन वाली लिस्ट में है तो हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन वाली लिस्ट में है तो P12 में एक ऐड हो गया, और अगर वो थर्ड पर्सन वाली लिस्ट में है तो काउंट P3 में एक ऐड हो गया। एक काम मैंने ये किया कि डॉट लोअर कर दिया लोअर केस में, क्यों, क्योंकि हो सकता था वी जो है ना कैपिटल डब्ल्यू से लिखा होता हमारी वाली लिस्ट में, वो स्मॉल डब्ल्यू से लिखा हुआ है, तो ये मैचिंग केस सेंसिटिव होती है, यानी कैपिटल वी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू इक्विवेलेंट नहीं है, कैपिटल ए और स्मॉल ए इक्विवेलेंट नहीं है। तो अगर वी इस तरह से लिखा हुआ है कि कैपिटल डब्ल्यू ई और वी लिखा हुआ है स्मॉल डब्ल्यू ई, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें मानेगा। तो हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें इन दोनों लिस्टों में हर चीज़ स्मॉल लेटर्स में लिखी थी, और यहाँ पर भी फिर हमने ये कर दिया कि जो भी वर्ड आया डॉट लोअर का मतलब यह है उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, तो जो भी वर्ड आ रहा है हम उसे लोअर केस में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, तो लोअर केस में कन्वर्ट करके मैच करेंगे, तो अगर कैपिटल डब्ल्यू के साथ भी वी आ रहा था तो वो मैच कन्वर्ट होके स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। इसी तरह से कैपिटल वाई कैपिटल ओ कैपिटल यू आ रहा होगा तो डॉट स्मॉल करेंगे तो वो स्मॉल वाई स्मॉल ओ स्मॉल यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक काम हमने कर लिया। यहाँ देखा, इसको रन करिया, इसको रन किया, और आखिर में हमने फिर लेंथ ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की लेंथ कितनी है, P12 कितने हैं और काउंट ऑफ P3 कितना है, ये दोनों तीनों चीज़ें हमने प्रिंट करवा दी। 241 वर्ड थे इसमें, 15 प्रोनाउन थे फर्स्ट और सेकंड फॉर्म वाले, और 9 प्रोनाउन थे थर्ड पर्सन वाले, 15 प्रोनाउन थे फर्स्ट और सेकंड पर्सन वाले। सेम काम हमने न्यूज़ के लिए किया, जस्ट वही काम न्यूज़ के लिए किया, सिर्फ वेरिएबल्स जो हैं वो काउंट न्यूज़ P12 न्यूज़ वाला न्यूज़ टेक्स्ट टेक्स्ट भी न्यूज़ हो गया, बाकी सारी चीज़ें वो हैं। और हमने यहाँ पे जब काउंट किया तो पता चला कि लेंथ न्यूज़ P text 514, काउंट P12 न्यूज़ में, पर्सनल प्रोनाउन न्यूज में कोई नहीं आया, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाला कोई पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हुआ, और थर्ड पर्सन वाला कोई प्रोनाउन, 7 प्रोनाउन इस्तेमाल हुए, तो ये हमें ये दो चीजें डिफरेंस मिल गई। तो इससे हम क्या वो अज्यूम क्या डील कर सकते हैं, बल्कि और इसे कर बेहतर तरीके से डिस्प्ले करना चाहें तो हमने प्रिंट फॉर स्टोरी 1 फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज इक्वल टू, हमने जो भी काउंट था उसे लेंथ ऑफ द स्टोरी से, जो उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स बताता है, से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें परसेंटेज मिले फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की भी, और इसी तरह से हमने इसे डिवाइड किया थर्ड पर्सन के काउंट को लेंथ ऑफ द P text, इसका मतलब टोटल स्टोरी में कितने वर्ड्स थे, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पता चल गया कि कितने परसेंट आपके पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन मौजूद है। परसेंटेज निकालना इसलिए बेहतर